अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर एक आजाद जमहूरी ममलिकत पाकिस्तान का जहूर बानिए पाकिस्तान की आंखें मूंदते ही सियासी अदम इस्तेहकाम महलाती साजिशें रेशा दवानियां और ताले आजमाए 63 साल ममलिकत में 32 साल फौज की हुक्मरानी facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan. 1971 mein sukoot-e-dhaka ke sanehe ke baad baaki maanda Pakistan mein Zulfiqar Ali Bhutto ne bahaisiyat sadr और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हल्फ उठाया आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की हाकिमियत और हमेशा पाकिस्तान की हाकिमियत फौज ने हटाया ना ये या खान और फिर भुट्टो को बुलवाया वहाँ से न्यूयॉर्क से कि आप आए उनको ज़रूरत थी उस सिविलियन हुकूमत की सरबराही की वो अब आके काबुल में ठहरे रहे और कहा कि फौज का कोई वफ्त आए मुझको ले करके आए मुझे ज़मानत दे उनका ख्याल ये था कि फ़ौज उनको गिरफ़्तार कर लेगी तो ये लोगों ने फिर गए वफ्त गया उनको ले करके आया उनको सदर बनाया 20 तारीख को जब तुर्की तमाम हो चुकी थी हम लोग थे वहाँ अयूब हॉल में जब हम वापस आए 12 बजे 1 बजे वापस आए तो उन्होंने कहा साहब अभी अनाउंसमेंट हुआ है खबरों में 1 बजे की मिस्टर भुट्टो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड CMLA व्हाट द हेल इज दिस CMLA का मतलब क्या हुआ तो मालूम है CMLA हो गए वो फिर उन्होंने कहा भाई आपने इतने बर्दाश्त किया है फौजी मार्शल लॉ को तो ये अवामी मार्शल लॉ इसको बर्दाश्त कर लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक्तदार में आने के बाद कई जर्नेलों को फौज से बरतरफ किया और 1972 में याह्या खान को उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद कर दिया और उसके बाद पहला काम भुट्टो साहब ये करते हैं कि वो जो आर्मी चीफ थे गुल हसन तो फिर डॉक्टर मुबशर को और ये कर को भेजा GHQ कि उनसे इस्तीफ़ा ले कर के आओ पर कर साहब पिस्तौल भी ले कर के गए थे तो और कमरा बंद करवा करके उनसे इस्तीफ़ा लिया ख्याल किया जा रहा था कि अब मुल्क और कौम को फौजी आमरियत का सामना कभी नहीं होगा मगर ये खुशकुन ख्याल एक गलत फहमी ही रही ۱۹۷۷ के इंतखाबात के मौके पर जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकाबला करने के लिए हिज़्ब इख्तलाफ की 9 सियासी जमातों का पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रातों रात वजूद में आ गया अपोजिशन को ये समझ आ गई थी कि जो इंतखाबात 1977 के हैं उसमें अगर वो अलग-अलग जमातें इंतखाब में हिस्सा लेंगी तो उनको शायद वो अहमियत हासिल ना हो इन सब ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक मुहाज बनाया और उसकी ज़ात को इन्होंने निशाना बनाना शुरू किया इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली मगर ये नतीजे कौमी इत्तेहाद के लिए काबिल-ए-क़बूल नहीं थे धांधली का इल्ज़ाम लगाकर असरे नौ इंतखाबात का मुतालबा किया गया इन वजूहात की बिना पर मुल्क में सियासी इंतशार पैदा हो गया कंट्री कैन नॉट फोर्स अनदर कन्फ्रंटेशन कैन नॉट अफोर्ड अनदर कन्फ्रंटेशन बट इफ अ कन्फ्रंटेशन इज फोर्स्ड देन वेल इट बिकम्स अ पॉलिटिकल चैलेंज एवरीबॉडी आई मीन आई कराची और हैदराबाद में जुज़्वी मार्शल लॉ लगाया गया और लाहौर में जब फौज को मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म मिला तो फौज के सिपाहियों ने बराह रास्त फायर करने की बजाय सिर्फ हवाई फायरिंग करके उस हुक्म पर अमल किया अनारकली में फायरिंग हुई हाँ जी 9 अप्रैल 40 गोलियां चली 3 बंदे हिट किए बाकी गोलियां किधर गईं सो दैट मींस जो लोग हैं वो नहीं मारना चाहते अपने बंदों को हवा में फायर करते हैं जुल्फिकार
हिजब इख्तलाफ की जमातों की हंगामा आरई ने शिद्दत इख्तियार की तो जुल्फिकार अली भुट्टो को मुजाकिरात की मेज पर आना पड़ा, मगर दोनों फरीकों की तरफ से लचक का मुजाहरा न होने के सबब ये मुजाकिरात तूल पकड़ते गए। कहा जाता है कि 4 जुलाई 1977 तक ये मुजाकिरात कामयाब हो गए थे, सिर्फ मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी थे। 4 जुलाई को फिर हमें बुलाया जाता है, ज़ियाला घर में बुलाते हैं, मीटिंग हो रही है, जल ज़ियाला को उस वक्त स्टैंड बाई है कि भुट्टो साहब बुलाएंगे तो ये उधर जाएंगे मीटिंग के ऊपर, तो उनके घर हम साहब बैठे, तो जो ज़िया को मैसेज मिलता है वो ये है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, ये ठीक रास्ते पे नहीं आ रहे, हम खुद सारा कुछ ठीक कर लेंगे। उस वक्त ज़ियाउल्लाह फैसला करते हैं कि जी ये हालत खराब हो रहे हैं, ये आपस में कोई समझौता नहीं हुआ। हमारा मुतालबा ये था कि कौमी इत्तेहाद और गवर्नमेंट दोनों के निगरानी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, और पहले तो भुट्टो साहब ने नहीं माना, ये आखिर में मान गए थे। वो मीटिंग बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल, अपनी मीटिंग उसमें बात कर रहे थे, तो ज़ियाउल्लाह ने कहा मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाता हूँ, तो जाके इसने मसला लगा दिया। मैंने कभी उस ज़माने में अखबार में पढ़ा था मुफ्ती महमूद का बयान कि भाई कामयाब तो हो गए थे मुज़ाकरात, तो उसको दस्तखत ना करो एक दिन की फरमाइश की थी ज़ियाउल्लाह ने, उसी एक दिन में सब कुछ हो गया। ये जब इसके पीछे रियल फोर्स है उसको आना था तो वो आ गई, तो जो ड्रामे हमारे आपके तमाशे के लिए आते हैं वो अलग होते हैं, जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो अलग होती है। भुट्टो हुकूमत के वजीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाजी अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखते हैं कि 4 जुलाई की शाम को काबीना की मीटिंग जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक भी शरीक थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जनरल ज़िया भुट्टो साहब के साथ उनके कमरे में चले गए, और फिर कुछ देर बाद भुट्टो साहब अपने कमरे से तेजी से निकले और किसी से बात किए बगैर चले गए। मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि उसी रात वो अपनी ख्वाबगाह में थे कि फौज के मुसल्लह सिपाहियों ने धावा बोल दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर जीप में अब्दुल हफीज पीरजादा पहले से मौजूद थे, और फिर गिरफ्तार शुदगान के इस काफिले में मुमताज भुट्टो को भी शामिल किया गया। फिर उन्हें एक फौजी इमारत में ले जाया गया जहां PNA के रहनुमा भी पहले से मौजूद थे। तब उन्हें पता चला कि वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। भुट्टो साहब का किरदार यही देखता है कि मिलिट्री प्लानिंग को मैदान देता हूँ, जिसने ये बात समझी कि ये बंगाल के गड़बड़ के बाद मिलिट्री डायरेक्टली नहीं रह पाएगी, इसको स्पेयर व्हील चाहिए। भुट्टो साहब थे वो स्पेयर व्हील, लेकिन वो आए अगर मिलिट्री के स्पेयर व्हील की तरफ से, तो आने के बाद उन्होंने स्पेयर व्हील बन के नहीं रहना चाहा, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश की। अगर आप बात करें जनरल गुल हसन मरहूम से, तो उनका कहना यह था कि चूंकि भुट्टो साहब बहुत डिपेंड करने लगे थे अपने, स्पेशली आखिरी दिनों में GHQ पे कोर कमांडर्स की मीटिंग भी बुलाते थे और उनमें बात करते थे, उसमें मौजूद होते थे, इससे फौजी अफसर जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए, और उनने कोर कमांडर्स ने दबाव डाला ज़ियाउल हक पे कि जी अब इसको फारिग करें और ख़ुद आना चाहिए। तारीख ये कहती है और प्रोफेसर गफूर ये कहते हैं जो उस वक्त PNA के नुमाइंदे थे उन डायलॉग्स में कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PNA के दरमियान माहदा होने वाला था कि फ़ौज ने मुदाखलत कर दी। अब सवाल है कि फ़ौज ने क्यों मुदाखलत की? गालिबन फौज ने इसने मुदाखलत की कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो रोल है बतौर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम है। उस ज़माने में इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस की गई वो, और इसके अलावा जुल्फकार अली भुट्टो की जो दोस्तियाँ थीं इन ममालिक में सुकारनों के साथ, अपना सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ, बोमद्दीन के साथ, बिन बेला के साथ, नासर के साथ, इन लोगों को खदशा था इन सब लोगों को कि ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमान तो मुसलमानों की मैनपावर, इनका सोना, इनके कॉपर के ज़राए और इनके तेल की जो ताकत है इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा ब्लॉक न बन जाए। उस ब्लॉक को अमेरिका पसंद नहीं करता था।
अमेरिका ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले ही धमकी दी हुई थी एटम बम पे बनाने के हवाले से कि हम आपको एक मिसाल बना देंगे, और एक और उन्होंने फिर उस इबरतनाक मिसाल बनाने के लिए ज़ियाउल्लाह को इस्तेमाल किया। क्योंकि जो बिना थी, जो वजह थी, इसमें मुझे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है 77 के कू में। और वो उसकी वजह ये है कि किसिंजर ने भुट्टो को वार्न किया था कि यू विल मीट अ हॉरिबल एंड। चार जनरल्स को उन्होंने उकसाया था कि आप लोग टेक ओवर कर सकते हैं। उन्होंने उनको तसल्ली कराई होगी, नंबर एक के अवाम भुट्टो के ख़िलाफ़ हो गए हैं, भुट्टो के पॉलिसियों से तंग आ गए हैं। और ये वाकया है, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि अवाम से भुट्टो साहब एलिनेट हो गए थे। क्या आप पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम जानते हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मिजरवी थे। उन्होंने अगस्त 1947 से फरवरी 1948 तक खिदमत अंजाम दी। जानो और जानते रहो। ये भी कहा जाता है कि कौमी इत्तेहाद की तश्कील और सारी हंगामा आरई के पीछे ताकतवर खुफिया एजेंसियों का हाथ था, जिन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ही ने सियासत में मुलव्वस किया था। कुछ हद तक तो मैं समझता हूँ ये सही है कि फौज की भी यही ख्वाहिश थी कि इस तरीके से इत्तेहाद बने। प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की क़यादत उनको पसंद नहीं थी और वो ये चाह रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी क़यादत खड़ी हो। अपोजिशन चूँकि कमज़ोर थी तो उनको इकट्ठा करके उनको मजबूत किया जाए। फौजी नहीं, कोई तालम हमारा कोई तालम। मैं 5 साल कैद रहा हूँ ज़ियाउल्लाह के दौर में शुरू से ही, तो हमारा कोई तालम, मैं शक्ल नहीं देखी थी इसकी कभी। अब खुद जाते हैं उसके पास, आईएसआई के पास, तो ये बड़ा गलत ख्याल है कि आईएसआई पर नहीं, नहीं। वो वही काम करते हैं जिनको दिया जाता है। ज़ियाउल्लाह की साजिश भी मंजर आम पर आ गई है। वो सारे जनरलों ने मिलकर किस तरह साजिश की थी, किस तरह PNA की तहरीक को महमेज दी थी और किस तरह पसे पर्दा रहकर उस तहरीक को कामयाब किया था, किस तरह ट्रेंड जो थे फाइटर इन जुलूसों में दिए थे जो देखते ही देखते आग लगा दिया करते थे, कैसे उनको फंड कहाँ कहाँ से मिले। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तश्कील और उसकी तहरीक में शिद्दत के पीछे अमरीकी पुश्त पनाही कार फरमा थी। PNA के पीछे अमरीकन थे और उनका मुहर्रिक जो था वो था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का इशू था, भुट्टो के साथ जो उनका तजाद था वो कोई सोशलिज्म की बिना पर नहीं था। ये शफून उस जर्नल ने मारा था जिसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई सीनियर जनरल्स पर फौकियत देकर फौज का सरबराह बनाया था और जो एक दिन पहले तक वज़ीर आज़म से वफादारी का दम भरता था। और एक इंतहाई एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें देख के शर्म आती, ज़ियाउल हक की भुट्टो साहब के साथ ऐसी तस्वीरें हैं यूनिफॉर्म में, वो तकरीबन सजदे की कसर ही रह जाती है उसमें देखे जिस तरह वो बिहेव करता रहा है भुट्टो साहब के साथ। उसके बाद में था तो मेरा बेटा उमर फौज में था, इत्तेफाक से वो मुल्तान में था जहाँ ये जर्नल था उस वक्त कमांडर इन चीफ बनने से पहले, तो उसने मुझे अखबार दिखाया एक दिन के लिए दे दें, ये हमारा जर्नल है, वो मुल्तान में था उमर। तो उस तस्वीर में जनरल साहब झुक के घुटनों टेक के एक तलवार पेश कर रहे थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तलवार, तो कह रहे मेरा जर्नल मेरे को बड़ा ख़तरनाक आदमी है। तारीखी वाकया है कि जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आते थे तो वो जलता हुआ सिगार जो है वो पैंट की जेब में रख लिया करता था। जनरल ज़ियाउल्लाह ने 90 दिन में इंतखाबात करवाकर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करने का वादा किया।
मगर 90 दिन का यह वादा 8 साल बाद 1985 में पूरा हुआ और वो 10 साल तक मुल्क के अकले कुल और मालिके कुल बने रहे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातों ने खुशामदीद कहा। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के तहत एक बार फिर मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया और बेगम नुसरत भुट्टो अपना केस हार गई। जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में गईं और उन्होंने चैलेंज किया उस मार्शल लॉ को, तो किसी लीडर ने उनका साथ नहीं दिया हिज़्ब इख्तिलाफ़ के। नवाज़ नसरुल्लाह खान, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, मियाँ तुफैल मोहम्मद, ये सारे लोग जो थे, अब्दुल वली खान, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे और इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा समझौता हो गया था इसलिए ज़ियाउल हक को आने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। इसकी बजाय पीएनए के लोगों ने हलवे पकाए, देगें चढ़ाई और इतना हलवा पकाया कि मुल्क से सूजी, चीनी और घी खत्म हो गया। 5 जुलाई का जो काम हुआ था तो क्या 6 जुलाई को लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी, पूरा पाकिस्तान खुश नहीं हुआ? क्या पूरे पाकिस्तान ने कहा नहीं कि ये यौम निजात मिलाना चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि गुज़श्ता हुकूमत से जान छुट गई है, अभी आ गए हैं। तो वो तो फिर वर्डिक्ट था 5 जुलाई के मार्शल लॉ का। उन्होंने इस्लामी निज़ाम का नारा लगाकर मजहबी जमातों को एक कंफर्ट लेवल दिया और मार्शल लॉ के इब्तदाई 2 साल तक मजहबी जमातें मार्शल लॉ की बी टीम बनी रही। ज़ियाउल हक ने मजहब को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया, तो राइटिस्ट फोर्सेज जो थे ना वो सारे इनिशियली एंटी भुट्टो थे और एंटी ये जो मॉडर्न लोग होते हैं इनके थे, तो ये कुदरती तौर पर इनका झुकाव जो था वो ज़ियाउल हक की तरफ था। सबसे पहले तो जमात इस्लामी थी, उसके अलावा बाकी जमातें भी थीं, लेकिन जिसने खुल के किरदार अदा किया, जो भी जिसने भी ज़िया का साथ दिया उसने मजलिस शूरा में उनको साथ रखा और मजलिस शूरा के अंदर जो भी पैवंदकारी हुई या जो लोग आए या जो उस दौर में पैदा हुए या जो उस दौर में परवान चढ़े वो तो सब आपके सामने। जनरल ने ये कहा था कि ये जब तक के सियासी जमातें मेरा साथ नहीं देंगी हिमाचल नहीं लगातार हटा सकता। 8-9 महीने तक मुज़ाकरात भी हैं जमातों के अंदर भी, खुद जनरल साहब से भी, और उसके बाद जब ये तय हुआ उन्होंने मान लिया कि जी आप मेरा साथ दीजिए मैं माशाल्लाह हटा लूँगा, तब तमाम जमातों ने, सिर्फ जमात नहीं तमाम जमातें गई थी इस बिना के ऊपर उसने वादा किया था कि आप आइए मेरे साथ तावन कीजिए मैं माशाल्लाह हटा लूँगा। मैं समझता हूँ कि जो कौमी इत्तेहाद की क़यादत थी 2 सालों के अंदर ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने फ़ौज को वेलकम करके गलती की है। चुनाचे MRD में आपको पता है वली खान भी शामिल थे, नवाबजदा नसरुल्लाह खान भी शामिल थे और मौलाना मुफ्ती महमूद की पार्टी भी शामिल थी। कहा जाता है कि कौमी इत्तेहाद के बाद रहनुमा मार्शल लॉ के पहले से हामी थे। मैंने बड़ा इसरार किया भुट्टो साहब से कि आप दस्तखत कर दीजिए, वरना आप जानते हैं कि PNA में भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदा न किया जाए, ये मुआहदा करने के बाद उसके पर मुताबिक अमल नहीं करेंगे, माशाल्लाह रखने दें, माशाल्लाह 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगा। उसमें एयर मार्शल भी उस वक्त इसी राय के का इजहार कर रहे थे और अपने पीर बघाड़ा साहब भी इसी राय का इजहार कर रहे थे और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बेगम नसीम अली खान भी इसी राय का इजहार कर रही थी कि ये मार्शल लॉ के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई छोटी नज़र के लोग नहीं थे, ये एक बहुत तजर्बेकार लोग थे। ये कहना कि वो समझते थे कि जी मार्शल लॉ लग जाना चाहिए और 90 दिन के बाद दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे और हम जो है वो शायद विन कर जाएंगे, मैं कहता हूँ कि ये गलत फलॉसफी है। इन लोगों को पता होता है, जो मार्शल लॉ को आवाज़ देते हैं इनको पता होता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। यह अहम इकदाम नफाज शरीयत के ऑर्डिनेंस का इजरा है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाने का वादा किया था। वो खुद भी फौज के दूसरे जनरलों के बरक्स मजहबी रुझानात रखते थे, लेकिन 10 साल तक इकतदार में रहने के बावजूद मुल्क में इस्लामी निज़ाम ना आ सका। क्या जनरल ज़ियाउल हक
वाकई इस्लामी निज़ाम लाना चाहते थे। इन्होंने फौज को मॉडल दिया ईमान तक्वा जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब जिहाद फी सबीलिल्लाह तो बगैर तनख्वाह के होता है, फी सबीलिल्लाह है अल्लाह के रास्ते में। एक तनख्वाहदार पेशेवर आर्मी, अच्छी आर्मी, आप उसको उसका तो क्रेडिट बढ़ रहा। शराब नहीं पीते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और इस्लामिक जो आम इबादत होती हैं उनको किया करते थे वो। लेकिन फिर हुआ ये कि जब उन्होंने पावर एक दफ़ा ले ली तो फिर उनकी ये पॉलिटिकल, पहले तो सिर्फ ज़ाती हद तक था, नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं ना, ज़ाती हद तक था, उसके बाद में ये उनकी ज़रूरत बन गई। और फिर जो उन्होंने इस्लामाइजेशन किया वो फिर एंटी भुट्टो स्टैंड के लिए, एंटी भुट्टो मोबिलाइजेशन के लिए एक ही चीज़ उनके लिए काम आ सकती थी। वो समझ गए थे कि इस्लाम के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। क्या आपको पाक फौज के सरबराहों की तादाद याद है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।